जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो प्रश्न संख्या 81, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। दोस्तों एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में इस तरह से F1, F2, F3 से लेकर F12 तक कीज होती है टॉप में, जिन्हें हम बोलते हैं फंक्शन कीज। तो इनकी संख्या दोस्तों 12 होती है, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, स्कैनर स्कैन्स। दोस्तों आपने स्कैनर तो देखा ही होगा, वो क्या क्या स्कैन कर सकता है। ऑप्शन ए पिक्चर्स, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, या फिर ऑप्शन डी नाइदर अ पिक्चर नॉर अ टेक्स्ट। दोस्तों हमारा स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों ऑप्शन सी यूनिवेक 1। दोस्तों इसमें 1 भी है, यूनिवेक 1 हमारा फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपको मैं पिछली वीडियो में काफी अच्छे से समझा भी चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको यूनिवेक की फुल फॉर्म। इन विच जनरेशन वाज माइक्रोप्रोसेसर इन्वेंटेड। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर का यूज हुआ। ऑप्शन ए फर्स्ट, या फिर ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, या फिर ऑप्शन डी फोर्थ। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो माइक्रो प्रोसेसर है इनका यूज फोर्थ जनरेशन में हुआ। आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया, किसने इसका आविष्कार किया, हु इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्कड विद फोर्ट्रान। दोस्तों ये फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिकों द्वारा इसका यूज किया जाता है। इसका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। तो दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर में कौन सी जनरेशन में यूज होने लगी, प्रयुक्त होने लगी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन में फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है इसका यूज होने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन। दोस्तों आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके द्वारा और कब डेवलप किया गया। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट INC 1970s, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट INC 1980s, या फिर ऑप्शन सी सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1980 में, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा 1990 में। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट INC द्वारा 1980s में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप्ड किया गया। प्रश्न संख्या 87, MS Word इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ईमेल क्लाइंट। दोस्तों जो हमारा MS Word है वो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यदि हम टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग की बात करें तो दोस्तों MS Excel में हमारा टेबुलर डाटा फॉर्मेट होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो पावर पॉइंट है। दोस्तों ईमेल क्लाइंट की बात करें तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 88, व्हेन यू स्टार्ट MS Word द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज दी। दोस्तों जब आप अपना MS Word स्टार्ट करते हो तो ओपनिंग जो डॉक्यूमेंट है वो किस नाम से ओपन होता है। ऑप्शन ए Doc 1, ऑप्शन बी Document 1, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट, या फिर ऑप्शन डी Workbook। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर आता है, कई बार आ चुका है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, Document 1 के नाम से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है जो डिफॉल्ट है। द फर्स्ट बार इन MS Word। दोस्तों यदि आपने MS Word में काम किया होगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के बार होते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला टूल बार, स्क्रॉल बार इत्यादि।
तो आपको बताना है निम्न में से कौन सवार सबसे ऊपर होता है, फ्रंट में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मेनू बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग टूल बार। तो दोस्तों हमारे एमएस वर्ड में सबसे टॉप में होता है टाइटल बार, इसमें उस फाइल का नाम लिखा रहता है जिससे हमारी फाइल सेव हुई हो। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि आपके फाइल का टाइटल कहाँ पर लिखा रहता है। तो दोस्तों टाइटल बार में टाइटल लिखा रहता है, फाइल का नाम लिखा रहता है। और दूसरा प्रश्न दोस्तों कई बार ये भी बन जाता है कि आपके एमएस वर्ड में या फिर फाइल में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन। दोस्तों मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहां पर होते हैं? तो दोस्तों वो भी टाइटल बार में ही होते हैं, ऑप्शन बी उसका करेक्ट हो जाएगा। टू मूव द बिगनिंग ऑफ अ लाइन वी प्रेस द की। दोस्तों यदि हमें किसी लाइन के फ्रंट में पहुंचना है, बिगनिंग ऑफ द लाइन पहुंचना है, तो कौन सी की हम प्रेस करेंगे? ऑप्शन ए पेज अप या फिर ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी होम या फिर ऑप्शन डी एंटर। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ आगे इस तरह से टाइप कर रहे हैं। यदि मैं चाहता हूँ कि किसी की को प्रेस करके मैं फ्रंट में पहुंच जाऊँ, यहाँ मेरा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों लाइन, ये तो दोस्तों हमारे है नंबरिंग, जो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, तो आपकी लाइन स्टार्ट होगी दोस्तों यहाँ। आप चाहते हैं मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ से कौन सी की प्रेस करूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाऊँ, तो उसके लिए आपको प्रेस करनी होगी दोस्तों होम की, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। होम की का यूज करके आप बिगनिंग ऑफ अ लाइन पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के ये प्रश्न आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, ऐसी ही वीडियोस को तुरंत पाने के लिए, नोटिफिकेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।